समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान। क्यों परेशान हुई अवंतिका, कौन होगा माहिष्मति का अगला उत्तराधिकारी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले नमस्कारम भाई, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियो। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे अमरेंद्र और अवंतिका अपनी बच्ची दमयंती के आने से ना बहुत खुश थे। पूरे राज्य में राजकुमारी दमयंती के आने से खुशी का माहौल छा जाता है। सभी जगह मानो जैसे त्योहार हो वैसा माहौल था। पर वहीं दूसरी तरफ राज्य के कुछ ऐसे लोग भी थे जो दमयंती के जन्म से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि बेटी के होने पर राज्य को इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए, लड़की हुई है ना कि लड़का, और वो कभी राज्य की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती। ऐसे में उन्हें इतनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए। इन सबके बीच दमयंती धीरे धीरे ना बड़ी होने लगी थी। अभी भी राज्य के लोग और बाकी सब अमरेंद्र और अवंतिका के उत्तराधिकारी यानी कि एक राजकुमार के जन्म के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दमयंती के जन्म को अब तक 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में ना अवंतिका कई बार गर्भवती हुई, पर हर बार 3-4 महीने में ही उसका गर्भपात हो जाता था। 5 सालों के बाद राज्य वैद्य ने देवसेना और अमरेंद्र को बताया कि लगातार गर्भपात होने से रानी अवंतिका का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। अब शायद रानी अवंतिका गर्भ धारण करने लायक भी नहीं रही हैं। इस पर देवसेना और अमरेंद्र काफी चिंतित हो जाते हैं। वो अवंतिका से मिलने ना उसके कमरे में जाते हैं। अवंतिका कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और काफी कमजोर नजर आ रही थी। अमरेंद्र और देवसेना को देखते ही वो देवसेना को प्रणाम करने के लिए उठने की कोशिश करती है, पर देवसेना उसे ऐसा करने से मना करती है और आराम करने को कहती है। अवंतिका कहती है, राजमाता, मैं आपको और इस माहिष्मति साम्राज्य को अब तक एक उत्तराधिकारी भी नहीं दे पाई, शायद मेरी कोख ही शापित है। राजाओं के लिए तो दो दो रानियां रखना एक अहम प्रचलन है। आप चाहे तो इनकी दूसरी शादी करवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेरी पूरी सहमति होगी। शायद मेरी कोख से माहिष्मति को उत्तराधिकारी मिलना ही नहीं लिखा था। इस बात पर अमरेंद्र अवंतिका से कहता है, ये क्या बोल रही हो, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, चाहे मुझे ये राज्य ही क्यों ना त्यागना पड़े, मैं तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री से विवाह तो क्या उसके बारे में सोचना भी पाप मानता हूँ। देवसेना भी अवंतिका से प्यार से कहती है, तुम माहिष्मति साम्राज्य की रानी हो, इस राज्य को उत्तराधिकारी देना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम ये ना पहले ही कर चुकी हो। अवंतिका ना इस बात पे सोच में पड़ जाती है और कहती है, पहले ही कर चुकी हो मतलब? तभी वहां खेलते हुए दमयंती आती है और देवसेना दमयंती को अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है, तुम भूल रही हो अवंतिका, तुमने दमयंती को भी जन्म दिया है। दमयंती ही होगी माहिष्मति साम्राज्य की अगली उत्तराधिकारी। इस पर अमरेंद्र और अवंतिका ना खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सच में माँ? देवसेना कहती है, इसमें तुम सब इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? तुम सब शायद भूल रहे हो, जब माहिष्मति की राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई भी नहीं था और तुम्हारे पिता शिशु मात्र ही थे और राज्य के विद्रोहियों ने राज परिवार के साथ चाल करके राजगद्दी हत्याने की कोशिश की थी, तब वो राजमाता शिवगामी देवी ही थी जिन्होंने न सिर्फ विद्रोहियों का दमन किया बल्कि राज्य भर को भी बखूबी संभाला। साथ ही उन्होंने तुम्हारे पिता की भी परवरिश की इस बीच और उन्हें इस काबिल बनाया। उसी शिवगामी देवी का अंश है दमयंती, ये मत भूलो। पुरुष नहीं तो क्या हुआ, स्त्री ही सही। दमयंती ही बनेगी हमारे राज्य की अगली उत्तराधिकारी, जाओ जाकर ये ऐलान कर दो। राजमाता देवसेना का आदेश है, दमयंती ही होगी माहिष्मति की अगली उत्तराधिकारी। भाई ये सुनते ही तो अमरेंद्र और अवंतिका काफी खुश हो जाते हैं। अवंतिका की सारी थकान सारी चिंता मानो एक ही पल में खत्म हो जाती है और पूरे राज्य में राजकुमारी दमयंती के उत्तराधिकारी होने की घोषणा की जाती है और उसकी खुशियां मनाई जाती है। पर क्या माहिष्मति की जनता दमयंती को मानेगी अपना अगला राजा?
क्या माहिष्मती अपनाएगा एक स्त्री को उत्तराधिकारी के रूप में? जाने के लिए देखते रहिए बॉलीगर्ल स्टूडियोज। तब तक आप ना हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।